हेलो गाइज, वेलकम टू आर चैनल बैरा एंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइज, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक फिशिंग रील की, जो है डायवा बीजी मैक्स रील 5000 सीरीज। गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रील गाइज जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी डायवा बीजी यूज़ करता हूँ। जब मैंने परचेस किया था बीजी, तभी मैक्स रील अवेलेबल नहीं था, बट अभी मार्केट में ऑलरेडी ये चल रहा है रील। तो मेरे एक फ्रेंड है जो हमारे टीम बैरा एंटर के खास मेंबर है, उन्होंने ये रील को परचेस किया है। वो चाहते थे कि हम इस रील की अनबॉक्सिंग एंड इसकी फीचर्स के बारे में अपने चैनल पर बात करें एंड बताएं लोगों को, सो दैट इसकी इन्फॉर्मेशन बाकी हमारे जो आप लोग हैं हमारे फैमिली के मेंबर, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके गाइस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे गाइस, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल पर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है गाइस, तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ऑनलाइन विद अस। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। तो गाइज, इस रूल को बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। गाइज, ये हमारा रील का हैंडल है, बाकी ये फिशिंग रील है हमारी जो एक पाउच में आई है, बाकी उसका कुछ फ्री का ज्ञान है। सो अगर आपको स्टडी करना है, एग्ज़ाम में बैठना है फिशिंग रील के बारे में, तो इसको पूरी तरह से पढ़ेगा। इस बहुत सारा ज्ञान है इसके अंदर। पूरा पैम्पलेट है इसका, सो इसको हम रख देते हैं। एंड व्हाट एल्स इज देयर, नथिंग, बाकी तो कुछ नहीं है। सो अब हम बॉक्स को रखते हैं साइड में एंड देखते हैं बाकी और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा हैंडल है, इसको अलग से पाउच में दिया हुआ है। आओ, तो ये हमारा रील का हैंडल है गाइस। हैंडल बहुत ही अच्छा है, इसका जो हैंडल का ग्रिप है वो बहुत ही अच्छा है गाइस। इट्स स्लिपरी नहीं है, जिसकी वजह से फर्मली हमको इस पर ग्रिप मिलता है। सो ये बहुत ही अच्छा हैंडल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। डायवा का यार क्वालिटी तो होना ही है। और ये हमारी दुल्हन का अभी घूंघट उठेगा एंड सब लोग मुंह दिखाई के पैसे दे देना हमारे चैनल पे। सो गाइज, ये हमारी दुल्हन है बीजी मैक्स रील ब्लैक। आई होप यू कैन सी दैट, दिस इज द डायवा का लोगो। यहाँ पे देखिए इसकी लाइन कैपेसिटी वगैरह सब दी गई है। ब्रेड है, मोनो है, ब्रेड 40 LB का ब्रेड जो है 480 मीटर जाएगा, 480 यार्ड जाएगा एंड 440 मीटर जाएगा। 50 LB का ब्रेड 360 यार्ड एंड 330 मीटर जाएगा। 65 LB का ब्रेड लाइन 280 मीटर जाएगा। अगर हम डायमीटर वाइज देखेंगे गाइस, तो क्योंकि मोस्टली हम डायमीटर वाइज ही देखते हैं जो थिकनेस होता है लाइन का उसके हिसाब से। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 0.35 mm का लाइन 460 मीटर जाएगा। सो हम तो मोस्टली गाइस 0.30 के आसपास की लाइनें यूज़ करते हैं। सो इसमें आराम से 400 मीटर के आसपास लाइन बैठती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो स्पूल है गाइस, बहुत ही डीप स्पूल है। इट्स अ रियली गुड स्पूल। यहाँ पे स्पूल में रबर का ग्रिप दिया हुआ है, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा ब्रेड लाइन वाला।
इस रबर का ग्रिप का बहुत ही इंपॉर्टेंस है गाइस, बिकॉज ऑफ दिस हम डायरेक्ट ब्रेड लाइन इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। इसके नीचे हमें मोनो या फ्लोरोकार्बन का बैकअप देने की ज़रूरत नहीं है, लाइन स्लिप आउट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेड लाइन बांध के हम इसको ब्रेड लाइन को स्पूल इन कर सकते हैं, पूरा इसको चढ़ा सकते हैं। ये एल्यूमिनियम का बॉडी है इसका एंड काफ़ी स्टर्डी है गाइस, हाथ में लेके लगता है कि इसमें दम है। रील में थोड़ा हेवी रहता है रील, लेकिन बहुत अच्छे से चलता भी है। इसमें 7 बॉल बेयरिंग्स है गाइस एंड जो बॉल बेयरिंग्स है वो स्टील के हैं, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एंड गाइस ये जो रोटर है ये एयर रोटर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एयर रोटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए होल वगैरह दिया हुआ है ना, इस तरह से ग्रूव्स है, ओपनिंग है, जिससे अच्छा वेंटिलेशन होता है। एंड नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इसको गैप दिया है। इसका रीज़न ये होता है गाइस कि इससे इनका बॉडी वेट भी थोड़ा हल्का हो जाता है एंड इसका बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस भी होता है एंड स्पूल भी बहुत अच्छा है इसका। सो हम हैंडल लगा के देखते हैं, गाइस अगर आप किसी भी रील का स्मूथनेस जानना चाहते हैं तो उसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, मोस्टली मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि हैंडल को इस पोजीशन में लाएं। अगर आपको रील का स्मूथनेस जानना है गाइस, तो ये एक ट्रिक है छोटी सी जो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, हैंडल को इस पोजीशन में लाएं, उसको छोड़ दें। अगर हैंडल नीचे आ जाता है आराम से अपने आप, इसका मतलब है रील में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मूथनेस में। देखिए इस तरह से छोड़ दिया तो अपने आप आ जाता है, मतलब बहुत ही रील स्मूथ है गाइस। एंड जो बॉल, जितना ज़्यादा बॉल बेयरिंग होता है गाइस उतना स्मूथनेस होता है रील में। बट आप चाइनीज़ रील के ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि चाइनीज़ रील में 12-12, 15-15 बॉल बेयरिंग होता है, बट बॉल बेयरिंग का कोई काम भी नहीं रहता उनका, बहुत ही घटिया क्वालिटी का रहता है एंड बहुत ही जल्दी सड़ जाता है जरा भी उसको सॉल्ट वाटर लगता है तो। एंड ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बॉल बेयरिंग्स इसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें स्मूथनेस अच्छा है। इसका स्पूल आप देख सकते हैं कितना डीप स्पूल दिया हुआ है इसमें, बहुत ही अच्छा लाइन बैकअप मिल जाता है हमें इस रील से। ये जो है गाइस इसका बेलाम है, बेलाम भी स्टील का दिया हुआ है। अच्छी क्वालिटी की लग रहा है मुझे। ये लाइन रोलर है, लाइन रोलर भी काफ़ी स्मूथ है। कभी भी आप रील खरीदते हैं तो लाइन रोलर को घुमा के देख लें, अगर ये थोड़ा भी जाम होगा तो उसको रिप्लेस करा लें रील को, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। देखते हैं इसका स्पूल खोल के हम, ड्रैग का आवाज़ भी आ रहा है बराबर। इसका स्पूल खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है, कैसी है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसा है ये रील। सो स्पूल का ढक्कन बाहर आ गया एंड अब हम रील इसको निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से है, एंड इसका जो ड्रैग के वॉशर्स होते हैं वो यहाँ पे हैं अंदर इसके नीचे। ये मेटेलिक क्लिप निकाल के आप उसको बाहर निकाल सकते हो सर्विसिंग करने के लिए। इसका एक चीज़ गाइस ये है, जो हमारा ड्रैग का आवाज़ आता है, साउंड आता है, वो इसकी वजह से आता है। ये जो क्लिप लगा हुआ है इसके ऊपर राउंड क्लिप, ये क्लिप इस तरह से देखिए प्रेस होता है यहाँ पे एंड रील के अंदर। आई होप यू कैन सी कि यहाँ पे इस तरह का मैकेनिज्म बना है कि ये जो क्लिप है उस पर रब होता है, जब हमारा स्पूल घूमता है तो बहुत ही अच्छा ड्रैग साउंड आता है हमें। बाकी अंदर का तो हम खोल के कोई मतलब नहीं है, हम मेंटेनेंस वाले वीडियो में आपको पूरा रील को डिसमेंटल करके दिखाएंगे। बाकी रील बहुत ही अच्छा है गाइस।
इस तरह से पहले उसको बिठा लें, कट से आवाज़ आएगा, प्रॉपर बैठ जाएगा रील। उसके बाद अब उसका नॉब फिट करें, नॉब फिट करोगे तो नॉब का भी आवाज़ आता है, इस ड्रैग नॉब का। काफी थोड़ा हमने टाइट कर दिया है, देखिए इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ड्रैग है, और क्या चाहिए हमको। इतना अच्छा ड्रैग का साउंड भी आ रहा है। सो ओवरऑल ये रील तो बहुत ही अच्छी है गाइस, हमें बहुत पसंद आई रील। इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके बॉक्सेस बॉक्स पे भी लिखा हुआ है। इसका जो गियर रेशियो है गाइस वो बहुत ही अच्छा है, 5.7:1 का गियर रेशियो है एंड 645 ग्राम का इसका वेट है। आई होप यू कैन सी दैट। एंड मैक्स ड्रैग जो है इसका ड्रैग पावर वो 10 kg है, बट मुझे 10 kg से ज़्यादा ही लग रहा है ये। 47 inch का रिट्रीवल है इसका एक रोटेशन पे, ये भी बहुत अच्छा है। तक आप अगर कोई फास्ट मच्छी के लिए खेल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें रिस्पांस आएगा पॉपिंग वगैरह करने के लिए। 6 ball bearing है, एक रोलर पे एक बॉल बेरिंग है, टोटल 7 ball bearing है इसमें। बाकी जो लाइन का मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दिया वो है। एंड इसका जो हैंडल है वो पावर हैंडल है, सॉलिड स्क्रू इन हैंडल भी है, ये ATD जिसको बोलते हैं सॉलिड स्क्रू हैंडल। हाँ गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें जो मैक्सिम टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है वो देख लेते हैं। सो जो मैक्सिम टेक्नोलॉजी होती है गाइज, वो इसके अंदर जो ओपनिंग्स है, जो भी यहाँ पे सील्स होते हैं यहाँ पे, या जो रॉड का हैंडल है इसके अंदर भी सील होता है। सो कहीं से भी जहाँ से पानी जा सकता है उस वहाँ पे सील दिया गया है, जिससे पानी सॉल्ट वाटर अंदर नहीं जाए। एंड अगर आप इसको ओपन नहीं करते हो तब तक गाइस इसमें कोई भी डेंजर नहीं है, आप 4 साल 5 साल 10 साल यूज़ कर सकते हो इसको। जब तक इसमें कोई डैमेज नहीं हो, गिर के या कुछ एक्सीडेंटली कुछ डैमेज हो जाए तब तक आप बिंदास इसको यूज़ कर सकते हो। इसको ज़बरदस्ती ओपन करके सर्विसिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैक्सिल टेक्नोलॉजी है इसमें। आप खोलोगे तो शायद उसका जो मैक्सिल टेक्नोलॉजी है वो टेम्पर हो जाएगा और ख़राब हो सकता है। सो आई सजेस्ट कि आप इसको खोल के सर्विसिंग करने की कोशिश ना करें, इसको सर्विसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 साल यूज़ करें, उसके बाद आपको लगे कि कुछ रफनेस आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ रहा रील में तो ही इसके मेंटेनेंस के लिए जाए, नहीं तो ज़बरदस्ती इसको खोल के ऑयलिंग ग्रीसिंग करने की कोशिश ना करें। खाली जो आप अगर सर्विस भी करना चाहते हैं तो उसका जो लाइन जो रॉड था अंदर, अभी इसको खोलने के बाद आपने देखा था पहले खोलने के बाद, तो उस रॉड के ऊपर हल्का एक ड्रॉप ऑयल का डाल सकते हो आप, बाकी तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो लाइन रोलर है इसकी सर्विसिंग आप कर सकते हो। बाकी जब भी वो फिशिंग करके आओ इसको फ्रेश वाटर में साफ़ कर दे रील को एंड इसको सुखा के रख दे। बाकी ये रील तो बहुत ही भारी गाइस, एंजॉय करो अपनी फिशिंग एंड इस रील को परचेस करके यूज़ करो अगर आपका बजट है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ हमारे से कोई टेक्निकल एडवाइस चाहिए हो तो गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट आप मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे जितना हो सके गाइज हम आपकी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने प्यारे दोस्तों के साथ में शेयर भी करें गाइज, ताकि उनको भी इसका इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स पता चल सके और वो परचेस कर सके गाइज एंड एंजॉय कर सके। देखिए कितनी ब्यूटीफुल रील है। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, अगर एंड आपके कुछ सजेशंस हो, सुझाव हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं गाइज। एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है
तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइज। ये हमारे मित्र दोस्त जिन्होंने ये जो आपको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ ये इन्होंने परचेस किया है। ये चाहते थे कि हम इसकी अनबॉक्सिंग करें अपने चैनल पे। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि इन्होंने हमें चांस दिया अनबॉक्सिंग करने का। ऑलवेज भाई के लिए कुछ भी कही हमको भी। ये हुई ना बात। वाओ, और ये रॉड है, ये रॉड है टेरी का, तेरा हाथ के पास है ना ब्रांड उसका।